नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में छात्रावास के पीछे दलित समाज के शमशान की चार दीवारी का कार्य चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चार दीवारी के लिए सरकार से लगभग 42 लाख रुपए का बजट पास हुआ है। दलित समाज के लोगों का कहना है कि शमशान की चार दीवारी में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री लगाई जा रही है। दलित समाज के लोगों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए यह भी बताया है कि चार दीवारी में पीला ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है तथा मसाला भी सबसे घटिया क्वालिटी का लगाया जा रहा है। इस चार दीवारी की जो DVC की गई है उसमें कोई सरिया नहीं लगाई गई है और थोड़े से दबाव से ही मसाला चार दीवारी से छूट रहा है और DVC पर थोड़ा सा वजन रखने से DVC टूटकर नीचे गिर जाती है। यह आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। ऐसे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। गौतम कहाँ से रहने वाला हूँ सर। ये शमशान जो बनाए जा रहे हैं मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। इसमें सीमेंट की जगह सीमेंट नहीं लगाई जा रही और कई 8-10 दिन से इसकी चिनाई हो रही है, होने के बावजूद भी ये दीवार नहीं उखड़ रही है। पिलर ऊपर से लगाए गए हैं इसके और ईंट जो है पीला लगाई जा रही है इसमें। ये जो निर्माण कार्य माननीय हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा कराया जा रहा है, और उन्होंने ही ठेका दिलवाया उनके लिए, दयाशंकर जी के लिए। और दयाशंकर जी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना तो इसमें कोई ईंट ढंगी लगा रहे हैं ना, और ना ही यहाँ कार्य बढ़िया तरीके से हो रहा है। कौन सी चेयरमैन आपके यहाँ? पड़ा जी हैं। तो आपने सब लोगों से शिकायत की है, माननीय SDM साहब को भी करी है और उन्होंने अपने तहसीलदार साहब को भेजा है, यहाँ EO साहब के लिए भेजा है। उन्होंने यहाँ की जाँच पड़ताल की गई है। जाँच पड़ताल करने के बाद में वो बिल्कुल बोल के गए हैं कि जब तक हमारे JE साहब इसकी जाँच नहीं कर लेते हैं तब तक ये कार्य बंद रहेगा। इसी में सरिया तक की नहीं है इसमें। अगर मानक के अनुसार काम नहीं होता है तो पहले नंबर तो SDM साहब के कहने के मुताबिक काम रोक दिया गया है और उसके बावजूद भी काम होता है तो हम इसका विरोध करेंगे। बहुत बुरी तरह धरने पे बैठ जाएंगे हम। घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, वो कार्य हमने रुकवा दिया है जाके, और JE को निर्देशित किया है कि उसको आके चेक करे मौके पर और उसको वहाँ से सही सामग्री गुणवत्ता के हिसाब से कार्य करे। जो लोग दोषी के खिलाफ यही कर रहे हैं, अगर वो सामग्री को उनकी जो उन्होंने घटिया सामग्री लगाई उसको हटवाया जाएगा उनसे, अगर नहीं हटाते तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए।